इंदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत जग बैना के माध्यमिक विद्यालय के शौचालय और हैंडपंप ग्राम के ही दबंग ने जबरन कब्जा कर लिया है और छात्र छात्राओं को हैंडपंप से पानी पीने और शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। कब्जा करने वाला जनपद पंचायत का सदस्य बताया जा रहा है। स्कूल परिसर में हुए कब्जे की शिकायत स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने कलेक्टर दतिया संजय कुमार को की है। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने तहसीलदार इंदरगढ़ ग्रामीण को अतिक्रमण हटाने को भेजा था, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई सम्पन्न नहीं हुई है। स्कूल के छात्र छात्राएं शौचालय बंद होने से बाहर शौच करने जाने को मजबूर है और हैंडपंप पर पानी ही तक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो कह रहा है आप लोगों के बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ा था लगभग काउ के भी, जिसमें से हमारे में 54 बच्चा है, जहाँ में 10-12 साल की भी लड़की है। इनने कब्जा कर लिया लेटरिन बाथरूम पे। अब लड़की को बाथरूम जाना है या लेटरिन जाना है तो वे जो कह रहे हम घर जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही। आप इसके बारे में क्या कहना चाहो, ये सही कर रहे हैं कि गलत? नहीं, अब इन्हें कब्जा कर लिया, लेटरिन के गड्ढा पूर दिए ठीक है, क्योंकि गड्ढा पूर गया लेटरिन चौक हो गई। अब कहाँ पे जाएंगे? अब वो लेटरिन के लिए बाहर जाते हैं तो लगभग आधा घंटा लग जाता है। हैं, ये जनप्रतिनिधि है, आम नागरिक नहीं है, मगर क्या इनका ऐसा करना सही है? आप तो यहाँ के लोकल के व्यक्ति हैं, आप बता सकते हो। ठीक, आप पिछली बार चुनाव आ रही थी, अच्छी बात है, इस बार जीत गई, अच्छी बात है, मगर अवैध कब्जा तो नहीं करो। आपकी जितनी दृष्टि है मैम गुस्से पढ़ा दे, आप भी बाल बच्चेदार हैं, हम भी बाल बच्चेदार हैं, मगर जामे 54 बच्चा पढ़ रहा है, कोनो दीगर के नहीं पढ़ रहा जी, हमारे और तुम्हारे पढ़ रहा है, और जामे जिम्मेदारी हमारी है, 10:30 से 4:30 बजे की जिम्मेदारी हमारी है। उन्हें हम कहाँ बैठा लेंगे, कहाँ मुतने के लिए पहुँचाएंगे, शौचालय कहाँ करवाएंगे, कहाँ से पानी पिलाएंगे? यदि डेलीगेट ही ऐसा करेंगे तो आप लोग ही बताइए हम क्या करें। इनसे तो अपन आशा ये करते हैं कि हमारे स्कूल के लिए नल लगवाएं और लेटरिन बाथरूम बनवाएं। यहाँ विपरीत हो रहा है कि नल अपने कब्जे में ले रही हैं और लेटरिन बाथरूम अपने कब्जे में ले रही हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या द्वारा चुनाव लड़ना चाहिए कि जीतना चाहिए? नहीं जानती हैं तो गलत नहीं हो रहा है, आप तो जी बताइए। आप हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, आपका लड़का पढ़ता होगा, आपकी बच्ची 12 साल की होती तो आप क्या सोचते उसके बारे में? उसको परेशानी नहीं होती? 12 साल की बच्ची कोई छोटी थोड़क सी होती है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो आप क्या करोगे? आप जाइए क्योंकि मासा आपने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी जवाबदारी है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 54 बच्चों में जितनी भी लड़कियाँ, लड़के तो चलो कहीं भी मुँह आए बाहर चले, अब लड़कियों की भी तो समस्या है, और फिर हम कह रहे हैं स्टाफ वाले की भी समस्या है, कोई अधिकारी कर्मचारी, चुनाव भी होता है, सबकी व्यवस्था हमारी होती है, पंचायत की, BLO की भी होती है, सरपंच की होती है, तो उनको ठहरने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था, फ्रेश होने की व्यवस्था वो कहाँ पे करवाते हैं? अपन सरकारी जगह पे करवाते हैं, जो कहते हैं कि आप किसी प्राइवेट घर में चले जाओ। तो हम जो चाह रहे हैं कि एक पंचनामा बनाना चाह रहे हैं, आप लोग साइन कर सकते हो कि नहीं? न्याय के लिए हम गलत नहीं बना रहे, आप लोग करने को हो कि नहीं जी बताइए। ठीक, क्या कह रहे हैं? नहीं बताओ, नहीं नहीं आप बताओ क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कह वो चाह रहे, बोलो। अच्छा तो ठीक है, दोबारा बोल दो, हमने सुन नहीं पाई थी। सुन नहीं पाई तुमने, सब सुन लिया वो। देखो राजनीति बहुत होता ही, लेकिन मासा वो पाए साफ से और काबू से बोल गयो तुम। ठीक है, बनाओ, कितनी बना रहे तुम वीडियो, तुम्हारी दृष्टि है, बाकी हिसाब से बना ली तुमने? नहीं, जो 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 कह रहा है, जो स्कूल की लेटरिंग है बाको तुम खाए जा रहे, कब्जा करे जा रहे, हाँ 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 बहुत साफ, बहुत साफ सफाई दिखाई भी दे रही, नहीं तुमने गड्ढा पूर दिया है। हाँ, जो कह रहा तुमने लेटरिंग को पूर दिया, गड्ढा पूर दिया है, बाउंड्री मिटा दी और नल भी कब्जा कर लाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ। तो जो कह रहा है नल की रष्टि है तुम्हारी, नल की और लेटरिन की रष्टि है तुम्हारी, नल और लेटरिन की, और लेटरिन की रष्टि है स्कूल, तो स्कूल जाके तुम दाब रहे स्कूल, तुम दाब लो, तो फिर लेटरिन का दाब लाई। अच्छा कब्जा में आ रही, हाँ और कब्जा में का रहा हूँ, हाँ चलो ठीक ठीक और कछु, हाँ और बोलो, और बोलो का बोल भी को, आप डेलीगेट हो, आप जनप्रतिनिधि हो, मतलब आपसे उम्मीद तो जो कर रहा था, नहीं क्या जो कह रहा है आपसे, तो पब्लिक जो उम्मीद कर रहा था, जो उम्मीद कर रहा था पब्लिक, अरे हम हाँ कि आप नल लगवाओगी, लेटरिन बाथरूम बनवाओगी, शौचालय बनवाओगी, मकान बनवाओगी, आप तो दा बोल रही है, तो क्या भाई, तो हम कह रहे हैं तुमसे, आप तो उल्टो कर रही, जो प्रधानमंत्री की योजना है आवास की, आप तो छीन और रही, शौचालय भी छीन रही, नल भी ले रही,
हाँ ठीक है बोलो, और कुछ और रहेगा ही हो तो ये कह रहा है कि हम सरकारी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है और बोला जा तुम तो हमसे सरकारी बिल्डिंग नहीं पूछ रही हमने, तुमने कब्जा कर लो अच्छी बात है, अच्छा नहीं बढ़िया करो कब्जा। तो नाटी की बहू ने भी क्या करा, तो थाने में 10 घंटा बैठी रही थी, हम को हल्ला तो चलो ठीक है ठीक। हाँ और बोलो बोलो नाटी की बहू को बताओ हाँ क्या करोगी, हमारे काय काय में बताऊंगी बताइयो ना थोड़ो, नहीं बता दो काय में बता लो मतलब जो तुम कर सकत वो बता दूंगी हमारे काय। हाँ ठीक है ठीक है, कब्जा और कहाँ कहाँ पे करोगे लेटरिंग।